अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कितने सालों से देख रही हो तुम्हें, हर रोज सूरज की किरणों को देखती रहती हो, क्यों? क्योंकि हर रोज ये किरण मुझे बताती है कि मेरे डंड की एक और रात खत्म हो गई है और मैं ये गिनती हूँ कि 10 सालों के डंड में और कितने दिन और रात बाकी है और ये बीते सालों के साथ मेरे बच्चों और मेरे परिवार का जीवन कितना बदल गया होगा। बहुत ज्यादा बदल गई होगी ना? पता नहीं, पर मेरे जमाई राज शशांक चिट्ठियां लिखा करते थे, इसलिए बहुत अंदाजा है। मुझे खुशी है कि इन सालों में कम से कम तुम पढ़ना लिखना तो सीख गई। हमारी संतु आज साक्षर है। जेलो साहब ने आपको बुलाया है। कैसी हो संतु? जानता हूं हमेशा की तरह तुम्हारा एक ही जवाब होगा कि ठीक हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यहां पर सब कुछ बदल गया है। यानी मेरी और कद्दू की बेटी नंदिनी बड़ी तेजी से बड़ी हो रही है। सब उसके बारे में पूछते रहते हैं और वो तुम्हारे बारे में बहुत नटखट है, बिल्कुल कद्दू की तरह, पर बहुत प्यारी भी है। मिलने से तो तुमने मना किया है मुझे, पर अंदाजा लगा सकता हूं कि इतने सालों में तुम भी थोड़ी बदल गई होगी। काश इस वक्त मैं तुम्हारा चेहरा देख पाता कि सच में क्या संतु वैसी ही लगती है या उम्र ने अपनी निशानी उस पर छोड़ दी है। सही कहा आपने जमाई राज, उम्र तो अपनी निशानियां छोड़ती है। तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं संतु, सूरज और बिरवा लगभग वैसे ही हो गए हैं जैसे 10 साल पहले कद्दू और मौलिक थे। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा संतु। तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखते हुए 14 साल की तुम्हारी सजा घटकर 10 साल की कर दी थी और वो आज पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूं संतु, मैं बहुत खुश हूं। उसकी एक वजह और भी है। आज से ठीक 12 साल पहले आज ही के दिन धर्मपुर के मेले में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और आज भी हमारी मुलाकात वहीं पर होगी।
जेलर साहब ने तुम्हें बुलाया संतू, तुम्हारी रिहाई का वक्त हो गया है। तुम और संतू आज जेल से रिहा हो रहे हो, बाहर जाकर अच्छे से जिंदगी बिताना। ये रहे तुम्हारे कपड़े और बाकी का सामान जो आते समय तुम्हारे साथ था। धन्यवाद। अरे संतो आओ, बधाई हो। गौरी के साथ साथ आज तुम भी जेल से रिहा हो रही हो। सरकार ने तुम्हारी चाल चलन देखते हुए तुम्हारी जेल की सजा 14 साल के बदले 10 साल में खत्म की है। धन्यवाद पारिक जी। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे पैर मत छू। आपके आशीर्वाद और सहयोग के कारण मैंने पढ़ना लिखना सीखा है। आज यहाँ से जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। ईश्वर तुम पर कृपा करे। ये लो, ये रहे तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे जेवर। बस अबे बस, और विचित्र प्रश्न मत पूछ, चल पैर अबे। और ये वो पैसे जो जेल में तुमने मेहनत करके कमाए हैं? थैंक यू। गुड लक। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अब तुम जाओ। संतो, आज महादेव पंचमी है और हर साल की तरह इस साल भी करसन भाई की टोली रासलीला करने वाली है, तो तुम कार्यक्रम में शामिल होके ही जाना बेटा। बंसुरी कहाँ है? वो सवेरे से मुझे नहीं मिली। तुम जा रही हो ना, इसलिए वो थोड़ी सी उदास होगी, पर तुम्हारी विदाई के लिए वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रही होगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये जमुना बहन, पागल है तू? क्यों रे? अरे इतने सालों से जेल में है तू, इतनी बड़ी अपराधी ने, इस पिद्दी सी छोरी के सामने तू हाथ जोड़ती है, तू डरती है क्या इससे? ए चुप कर। ये सर किसी के था? वो तो मैं इसकी इज्जत करती हूँ, समझी ना। ये उम्र में है छोटी, पर इस जेल में इसकी वजह से पिछले 10 साल से कोई झगड़ा नहीं हुआ। इस जेल को उसने मंदिर बना दिया है। आज इस जेल के कैदी से लेकर जेलर सारे दुखी हैं, उदास हैं, क्योंकि आज ये लड़की यहाँ से जा रही है, लेकिन इसके जाने के बाद भी इसकी अच्छाई, इसका प्यार यही रह जाएगा। आज हम सबके बीच एक छोटा सा गरबे का कार्यक्रम। बहनो, सूरी पीना। ये है मेरे बेटे की होने वाली पत्नी बंसरे। हम जेलर साहब को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत अनोखा और खास है। जी हाँ, आज हमारी संतों की रिहाई है। वैसे तो हम सबको एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है, पर जिस तरह संतों ने हमें प्यार के बंधन में बांध लिया है, हमें उसके चले जाने के बाद बहुत ही ज्यादा याद आएगी। हमें उसे हंस कर और गा कर विदा करना चाहिए।
अब आपके जाने के बाद फिर से झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ थे तो कितनी शांति थी। मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ, तू तो यहाँ है ना। मैं जानती हूँ कि तू सब संभाल लेगी। जब मैं यहाँ आई थी लगभग तभी तू यहाँ पर जेल में आई थी। अब कुछ समय में तेरा दंड भी खत्म होने वाला है। जब बाहर आओगी तो उसे मिलना जरूर। मिलूंगी ना, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मुंगी से मिलोगी, हितेन भाई से और वसुधा बा से। सब कितने खुश होंगे ना तुम्हें देखकर। तुम्हारे घर के सदस्यों के बारे में सुन सुनकर ऐसा लगता है कि मैं सबको जानती हूँ। बहुत मन करता होगा ना कि तुरंत जाकर सबसे मिलो। मन तो बहुत करता है मेरा, पर पता नहीं कि उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। मैं जा रही हूँ, पर तू अपना ख्याल रखना। चलती हूँ, जय श्री कृष्ण। रिहाई मुबारक हो संतो बहना। शशांक भाई ने भेजा है। आप संतु बहन हैं? जी जी भाई। Thank you.
जमाईराज 10 सालों के बाद आजाद हुई हो सर, कैसा रहा? आजाद होते हुए भी एक बंधन में बंधी हूँ मैं, बंधनी। आज भी मैया वंशी परिवार की बंधी नहीं हूँ मैं। घर पर सब कैसे? नंदिनी के बारे में नहीं पूछा? हाँ, नंदिनी कैसी है? नंदिनी माँ और बेटी दोनों खुश हैं। कब तू माँ बन गई? और तुम नानी? कहता हूँ रुक जाओ। अरे अरे वहाँ जाना मना है। ये मंदिर के पास शोर कैसे? कैसे जा सकती हो? नियम तोड़ा है। आज के दिन सबसे पहले मंदिर के दर्शन मालिक ही करते, उससे पहले सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ता। और ये लड़की, अब ना जाने मालिक क्या करेंगे। मालिक आ रहे शशांक, वो तो हर साल आता है। जब यहाँ मेला लगता है तो पहले दिन पूजा करने आते हैं, तो आज भी आएंगे। मालिक की गाड़ी आ गई, मालिक की गाड़ी आ गई, मालिक की गाड़ी आ गई, मालिक की गाड़ी आ गई। चलो चलो चलो। अब मालिक मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगे?
तीन भाई, ये सब कैसे?